आज मैं एक साईफाई एक्शन मूवी जिसका नाम जंपर है समझाने जा रहा हूं। मूवी की शुरुआत मिशिगन के एक छोटे से ग्रामीण शहर में होती है, जहां डेविड राइस एक सामान्य किशोरी अपने सख्त पिता के साथ रहता है। डेविड की माँ उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वह 5 साल का था, और तब से पिता और पुत्र के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। किशोर के लिए स्कूल उसके टूटे हुए घर से बच निकलने का एक तरीका है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन उसे अपनी एक सहपाठी मिल्ली हैरिस पर गुप्त क्रश है। एक दिन स्कूल के बाद वह उसे एक स्नो ग्लोब देता है, जिसमें एक मिनिएचर एफिल टावर की प्रतिमा होती है। मिल्ली, जिसके पास दुनिया भर में यात्रा करने का सपना है, उसे इसे बहुत पसंद करती है, लेकिन उनका कोमल पल स्कूल के बदमाश मार्क द्वारा बाधित हो जाता है। ड्यूरन नदी के बीच में उसे वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित डेविड ग्लोब की ओर चलता है मिल्ली की चेतावनी के बावजूद, लेकिन जैसे ही वह इसे उठाता है उसके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक टूट जाती है। बेचारा डेविड ठंडे पानी में गिर जाता है और धारा उसे वहां से बाहर ले जाती है। वह सतह पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पानी से बाहर खींच लिया जाता है और पास के एक सार्वजनिक पुस्तकालय के बीच में गिरा दिया जाता है। भ्रमित और कांपते हुए डेविड ने जो देखा उसे अनदेखा करने का फैसला किया और फिर घर चला गया। वहां उसके पिताजी तुरंत स्कूल से देर से आने के लिए उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वह किशोर बहस के मूड में नहीं है, तो वह अपने कमरे में बिना बात किए ही चला जाता है। फिर वह कमरे को लॉक कर देता है और एक कोने में सिमट जाता है। कुछ ही देर में गुस्से में विल दरवाजा धक्का देने लगता है। जब विल दरवाजा तोड़ने वाला होता है, तभी डेविड अंदर घुस जाता है और फिर लाइब्रेरी में फिर से प्रकट होता है। जो भी डेविड की सुपर पावर के पीछे है, वह भी उतना ही बड़ा बेवकूफ है जितना डेविड खुद है। इस क्षण में उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसके पास एक असामान्य क्षमता हो सकती है, टेलीपोर्टेशन। वह अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लेता है और जोर से ध्यान केंद्रित करता है। हैरानी की बात है कि वह कुछ ही मिनटों बाद अपने कमरे के अंदर प्रकट हो जाता है, जब वह पहले गायब हो गया था। यह महसूस करते हुए कि यह उसके अपमानजनक पिता से भागने का सबसे अच्छा मौका है, डेविड अपनी बचत लेकर भाग जाता है ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। पहले वह मिल्ली के घर जाता है ताकि स्नो ग्लोब छोड़ सके, जिससे उसे पता चल जाए कि वह जीवित और स्वस्थ है। उसके बाद डेविड शहर में जाता है, एक जीप किराए पर लेता है और अपनी शक्तियों का परीक्षण शुरू करता है। पहले कुछ बार वह एक स्थानीय पार्क में एक पेड़ से टकरा जाता है, लेकिन अंततः वह उस पेड़ों की तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करके इसे समझ पाता है जहां वह जाना चाहता है। उसका पहला दौरा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का है, जहां डेविड की अपनी माँ मैरी के साथ सुंदर यादें जुड़ी हैं। हफ्ते बीत जाते हैं और किशोर अपनी शक्तियों का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार महसूस करता है। इस समय तक डेविड जानता है कि वह केवल उन स्थानों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जिन्हें वह दृश्य रूप से देख सकता है। फिर वह रात में तिजोरी के अंदर टेलीपोर्ट करता है और पैसे से भरे बैग चुरा लेता है। अगली सुबह बैंक को चोरी का पता चलता है और पुलिस मामले में शामिल हो जाती है। बाद में रोलैंड नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति संस्थान में आता है और कहता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए मामले की जांच करेगा। उसे ऐसे मामलों का अनुभव है और वह जंपर्स के अस्तित्व के बारे में जानता है, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वास्तव में उसे यकीन है कि उनमें से एक ने यह किया है। दृश्य फिर 8 साल बाद को शिफ्ट होता है, जहां डेविड अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसके पास न्यूयॉर्क में एक आलीशान पेंटहाउस अपार्टमेंट है जिसमें महंगे सामान भरे हैं। अब वह एक वयस्क हो चुका है और अपनी शक्तियों पर उसका असाधारण नियंत्रण है। उसकी दीवारें मशहूर स्थलों की तस्वीरों से भरी हैं जो उसे दुनिया में कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट करने में मदद करती हैं। एक शाम वह लंदन टेलीपोर्ट करता है और एक स्थानीय पब में प्रवेश करता है। डेविड इतना सहज हो गया है कि वह तुच्छ चीजों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। पब में वह जल्दी से गायब हो जाता है और बार में अकेली बैठी एक खूबसूरत लड़की के पास पहुंच जाता है। उसकी लापरवाही को पब में मौजूद एक अन्य जंपर ग्रिफिन ओकोनर देख लेता है, लेकिन डेविड को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है और वह लड़की के साथ आराम से चला जाता है। दूसरी ओर रोलैंड ने ब्राजील के उष्णकटिबंधीय जंगलों में एक जंपर को घेर लिया है। वह बच्चा गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन तारों के जाल में फंस जाता है जो उसे लगातार बिजली के झटके देते रहते हैं और उसे घर वापस टेलीपोर्ट करने से रोकते हैं। फिर से शुरू करते हुए यह पता चलता है कि रोलैंड एक पल्लाडिन है, धार्मिक पागलों का एक समूह जो ऐतिहासिक रूप से जंपरों का शिकार करता है। पल्लाडिन सोचते हैं कि सुपर पावर्स वाले लोग विकृति हैं। रोलैंड बिना किसी हिचकिचाहट के उस लड़के को मार देता है और कुछ क्षण बाद उसे एक नए सुराग के बारे में कॉल आता है। एक बैंक डकैती का मामला। हाँ। 8 सालों बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है। दृश्य वापस न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो जाता है, जहां डेविड अपने अपार्टमेंट लौटता है। उसे आश्चर्यजनक रूप से रोलैंड वहां मिलता है, लेकिन वह गायब है। डेविड को पता ही नहीं है कि वह कौन है। किशोर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोलैंड उसे एक खास छड़ी से मारते हैं जिससे उसे 1000 वोल्ट की बिजली का झटका लगता है। इससे डेविड को अपार्टमेंट के अंदर कुछ फीट से ज्यादा टेलीपोर्ट करने से रोका जाता है। एक लड़ाई होती है और बहुत संघर्ष के बाद डेविड किसी तरह अपनी दीवार की एक छिपी हुई कमरे में टेलीपोर्ट कर वह कैश का बैग और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन अनुभवी प्लाडिन हार मानने को तैयार हार मान लो, इसलिए वह अपने आदमियों को डेविड के सारे आम टेलीपोर्ट स्थानों पर भेजता है। वह एक कैबिनेट में मिली की एक पुरानी तस्वीर भी ढूंढता है, जिससे उसे एक चालाक आइडिया मिलता है। इस बीच डेविड एक अजीब मुलाकात के बाद मिशिगन में अपने पुराने कमरे में आता है। वह मिली के घर जाता है। वहां उसकी माँ उसे बताती है कि मिली पास की सड़क के बारे में काम करती है। युवा आदमी वहां जाता है केवल खुद को कायर महसूस करने के लिए। जैसे ही वह अपनी बचपन की पसंद को देखता है, डेविड बिना देखे जाने से भागने की कोशिश करता है और एक वयस्क मार्क से टकराता है। मार्क उसे तुरंत पहचान लेता है और सवालों की बौछार कर देता है। उसकी बातें मिली सुन लेती है और कुछ ही सेकंड बाद दोनों पुरुषों के पास आ जाती है। वह बताती है कि उसने डेविड को आते हुए देखा था और उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। इससे मार्क को जलन होती है और वह कदम उठाने की कोशिश करता है।
डेविड उसे पहले घूंसा मारता है, फिर दोनों के बीच एक जोरदार झगड़ा होता है जो खत्म होता है दोनों के अचानक टेलीपोर्ट हो जाने पर जब कोई नहीं देख रहा होता। वे तुरंत उस बैंक वॉल्ट में पहुंचते हैं जिसे डेविड ने सालों पहले लूटा था। डेविड मार्क को धमकाता है और फिर कूद कर वहां से चला जाता है, मार्क को वॉल्ट में एक सजा के रूप में छोड़कर। बाद में डेविड वापस बार में आता है और आखिर में मिली से बात करता है। वो बताती है कि उसने यात्रा करने का सपना छोड़ दिया है क्योंकि उसे बच्चे के साथ हकीकत का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर डेविड झूठ बोलता है कि वह एक बैंकर है, इशारा करता है कि वह नहीं है। फिर वह उसे रोम आने का निमंत्रण देता है जिसे वह खुशी से स्वीकार कर लेती है। उन्हें पता नहीं था ग्रिफिन डेविड के पद चिन्हों का पीछा कर रहा है और उनकी योजना सुन लेता है। इस बीच मार्क को लूटपाट में संदेह के चलते पुलिस ने पकड़ लिया है। जल्द ही रोलैंड CIA एजेंट होने का नाटक करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह मार्क से पूछताछ करता है और वादा करता है कि वह उसकी पागल कहानी पर यकीन करता है। फिर मार्क डेविड और उस लेडी एच की मिली के बारे में सब कुछ बताता है जिससे उसे क्रश है। ये सुनते ही रोलैंड को एहसास होता है कि यह वही लेडी एच की है जिसकी फोटो उसे डेविड के पास मिली थी। कैबिनेट तो वह अपने आदमियों से उसके ठिकाने का पता लगाने को कहता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वह हाल ही में रोम के लिए रवाना हुई है। इस प्रकार उसके पीछे अपने आदमियों को भेजता है। 10 घंटे बाद डेविड और मिल्ली रोम पहुंचते हैं और एक बहुत ही शानदार होटल में चेक इन करते हैं। वे बाद में बाहर घूमने जाते हैं और दृश्य का आनंद लेते हैं। अगले दृश्य में दोनों कोलोसियम के चारों ओर घूमते हैं और डेविड निचले स्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी वह अचानक ग्रिफिन से टकरा जाता है। चौंक गया डेविड जाने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी अचानक उसके सामने टेलीपोर्ट करता है। वह फिर खुलासा करता है कि वहां उनके जैसे कई जंपर्स हैं। इसके बाद ग्रिफिन डेविड को लापरवाही से कूदने के लिए डांटता है। वह कहता है कि नौसिखिया गलत लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। इस बीच पलेडिनों का समूह कोलोसियम में प्रवेश करता है और लड़कों का पीछा करना शुरू कर देता है। डेविड को तुरंत एक बैटन से झटका दिया जाता है और वह निष्क्रिय हो जाता है लेकिन ग्रिफिन को दुश्मन की चालों का अधिक अनुभव है। वह सेकंडों में टेलीपोर्ट करता है और जल्दी से एक के बाद एक उन्हें मात देता है। जब खतरा थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है तो वह डेविड को उसकी सुध-बुध लौटने में मदद करता है। ग्रिफिन फिर जंपर्स जैसे लोगों का शिकार करने वाले पलाडिन संगठन के बारे में बताता है और फिर से गायब हो जाता है। अचानक कोलोसियम का एक कर्मचारी आकर कई बेहोश शरीर देखता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है जिससे डेविड जल्दी से जंप स्केयर में गोता लगाता है। ग्रिफिन के टेलीपोर्टेशन के बाद वह जल्द ही मिस्र के रेगिस्तानों में एक गुप्त ठिकाने में प्रकट होता है। उसे देखते ही ग्रिफिन गुस्से में आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने मिल्ली को अकेला छोड़ दिया है। डेविड अपनी गलती मानता है और जल्दी से कोलोसियम वापस चला जाता है लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस पहले से ही बाहर इंतजार कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। 8 घंटे बाद भी इतालवी अधिकारी डेविड से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे औपचारिक गिरफ्तारी तब तक नहीं कर सकते जब तक अमरीकी दूतावास से मजिस्ट्रेट नहीं आता। डेविड के आश्चर्य के लिए जब अंत में मजिस्ट्रेट आता है तो वह मैरी, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, मैरी उसे उसकी हथकड़ियों से आजाद कर देती है और जाने को कहती है। वह उसे चेतावनी देती है कि और भी पलाडिन रास्ते में हैं। एक भ्रमित डेविड उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन एक पुलिस वाला उसके रास्ते में आता है। इसलिए वह इंतजार कक्ष में टेलीपोर्ट करता है और मिल्ली को बताता है कि पूरी जांच के बाद उसे बस यूं ही छोड़ दिया गया। मिल्ली को यह नहीं लगता कि इतनी आसानी से ऐसा हो सकता है लेकिन डेविड उसे भरोसा करने के लिए कहता है और उसे हवाई अड्डे ले जाता है। वहां पहुंचते ही मिल्ली जवाब मांगती है। यह समझ नहीं आता कि अगर सब कुछ ठीक है तो वे क्यों भाग रहे हैं लेकिन डेविड उसे कोई जवाब नहीं देता और केवल कहता है कि वे अब एक साथ नहीं रह सकते। धोखा महसूस कर वह प्लेन में चढ़ जाती है और अकेले मिशिगन के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही पल बाद डेविड ग्रिफिन के ठिकाने पर पहुंचता है और जानता है कि वह पैलेडिन्स को मारने के लिए उनका शिकार करता है। ग्रिफिन बताता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बुरे लोग उनके जैसे लोगों के पीछे हैं। वे इतने बुरे हैं कि अगर वे जंपर तक नहीं पहुंच पाते तो उनके प्रियजनों पर हमला कर देंगे। यह सुनकर डेविड अपने सेंसर्ड पिता के बारे में चिंतित हो जाता है जो घर पर अकेला है लेकिन वह जानता है कि मिल्ली फिलहाल सुरक्षित है क्योंकि वह एक लंबे उड़ान पर है। अगले दृश्य में डेविड अपने पुराने घर में टेलीपोर्ट करता है, केवल अपने पिता को मृत पाता है। फर्श पर पता चला कि रोलैंड पहले ही उससे मिलने आ चुका था। ये बात डेविड को बहुत दुखी करती है और उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसकी लापरवाह हरकतों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं है क्योंकि उसे मिल्ली के अमेरिका पहुंचने से पहले रोलैंड को पकड़ना है। बदला लेने के मकसद से डेविड फिर से ग्रिफिन के ठिकाने पर वापस टेलीपोर्ट करता है और उसकी डायरी को छीनने की कोशिश करता है जिसमें पैलाडिन्स पर विस्तृत शोध है जिसमें वह भी शामिल है जिसने उसके पिता को मारा था लेकिन ग्रिफिन ऐसा नहीं होने देता और उसे कहानी समझाता है। वह जानता है कि रोलैंड बहुत खतरनाक है और उसे कोई और विकल्प नहीं होने के कारण डेविड प्रस्ताव करता है कि उन्हें उसे हराने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। शुरुआत में ग्रिफिन इनकार करता है, कहता है कि वह अकेले काम करने को प्राथमिकता देता है लेकिन जब नया लड़का बार बार जोर देता है तो वह अंततः मान जाता है। इसके बाद वे दोनों मिशिगन हवाई अड्डे पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मिली पहले ही उतर चुकी है और चली गई है। ये डेविड को एक घबराहट की स्थिति में भेज देता है और वह तुरंत उस बार में कूद जाता है जहां वह काम करती थी। वह मिली के बारे में पूछताछ करता है और एक वेट्रेस बताती है कि एक रहस्यमय आदमी भी उसकी तलाश कर रहा है। डेविड समझ जाता है कि वह रोलैंड ही हो सकता है और तुरंत मिली के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट कर जाता है। सौभाग्य से वह उसे सुरक्षित पाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वह अचानक पोर्ट उसके अपार्टमेंट में कैसे पहुंचा लेकिन रोम की घटना से वह अभी भी नाराज है और उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। इसी समय रोलैंड और उसके आदमी आ जाते हैं इसलिए डेविड जल्दी से मिल्ली को पकड़कर ग्रिफिन के छिपने की जगह पर ले जाता है। अनुभवी जंपर इस पर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि पैलाडिन्स के पास एक मशीन है जो उन्हें वर्म होल्स खोलने की अनुमति देती है। दुर्भाग्यवश रोलैंड और उसके आदमी मशीन के साथ आए हैं और बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि ग्रिफिन को डर था। जैसे ही वे वर्म होल खोलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं लड़के एक गुप्त गुफा में छिप जाते हैं। वहां डेविड गलती से खोज निकालता है कि ग्रिफिन के अनुसंधान में उसकी अपनी मां भी शामिल है क्योंकि मैरी एक पैलाडिन है।
जैसे ही वह अपने साथी जंपर का सामना करने के लिए मुड़ता है, रोलैंड आता है और तुरंत डेविड को अपनी विद्युत तारों से पकड़ लेता है। वह लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन एक फ्लेम थ्रोवर से तार काटने में कामयाब हो जाता है। फिर वह रोलैंड को जोर से धक्का देकर उस वर्महोल में वापस धकेल देता है जहां से वह आया था। दोनों मिल्ली के मिचिगन में स्थित अपार्टमेंट में लड़ाई जारी रखते हैं। इस बीच भ्रमित मिल्ली तार काट देती है जिससे डेविड बच जाता है, लेकिन वह उसे वादा करवाती है कि वह उसे घर ले जाने के बाद उसे अकेला छोड़ देगा। ये सब वो बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त कर रही है। डेविड मानता है, लेकिन यह भी कबूल करता है कि वह तब से केवल उसी से प्यार करता है। जैसे ही दोनों एक रोमांटिक बातचीत में लगे होते हैं, ग्रिफिन अचानक पालाडिन की मशीन के साथ प्रकट होता है। हालांकि रोलैंड जंपस्कार का उपयोग करके मिल्ली को पकड़ने के लिए एक हुक लॉन्च करता है, वह उसे स्कार बंद होने से ठीक पहले अपार्टमेंट में वापस खींच लेता है। इस घटना के बाद ग्रिफिन एक रिमोट कंट्रोल बम तैयार करने लगता है, ये परवाह किए बिना कि मिल्ली भी इस प्रक्रिया में मर सकती है। अपनी प्रेमिका को खोने के लिए तैयार नहीं, डेविड अचानक बम के साथ टेलीपोर्ट करता है और उसे कॉलेजियम पर छोड़ देता है। ग्रिफिन तुरंत उसका पीछा करता है और दोनों डेटोनेटर पर लड़ने लगते हैं। वे पूरी दुनिया में टेलीपोर्ट करते हैं और अंततः चेचन्या के एक युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके चारों ओर हो रहे युद्ध को नजरअंदाज करते हुए ग्रिफिन डेटोनेटर प्राप्त करता है, लेकिन उसी समय डेविड उस पर कूद जाता है और उसे भारी करंट वाले एक खंभे के खिलाफ धकेल देता है। इससे अनुभवी जंपर थोड़ी देर के लिए फंस जाता है। अपनी जीत के बाद डेविड टेलीपोर्ट करके मिली के अपार्टमेंट में वापस आता है और उसे दीवार पर बंधा हुआ पाता है। वह बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए अंदर दौड़ पड़ता है, लेकिन रोलैंड उसे इलेक्ट्रिक बैटन से हमला करता है। पालाडिन फिर डेविड को मिली के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक तारों से बांधता है। रोलैंड सोचता है कि तारों में बह रहा करंट डेविड को भागने से रोकने के लिए काफी होगा। इस नाजुक मौके पर मिली हर चीज को गलत समझने के लिए माफी मांगती है और आपसे अपने प्यार का इजहार करती है। इससे उसे अपनी शक्तियों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए समर्थन मिलता है। अचानक पूरी कमरा इमारत से गायब हो जाता है और ह्यूरॉन नदी के बीच में पहुंच जाता है। डेविड पानी के नीचे चक्कर महसूस करता है, इसलिए मिल्ली उसे बचाने के लिए तैरती है। वह उसे जोरदार तरीके से चूमती है, जो डेविड के लिए आत्मा बम चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। जब दृश्य बदलता है तो दोनों दुश्मन ग्रैंड कैनियन के बीच में एक गुफा में होते हैं। डेविड बताते हैं कि वह अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि वह रोलैंड को महासागर में शार्क के साथ छोड़ सकते थे। फिर वह गायब हो जाते हैं पालाडिन को पीछे छोड़ते हुए। दिनों बाद डेविड कुछ सुरागों का पालन करता है माँ के बारे में और अंत में उससे बर्फीली जगह में मिलता है। वह घटनाओं के बारे में जवाब मांगता है, जिस पर मैरी मानती है कि उसने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उसकी शक्तियों के बारे में पता था। वह यह भी बताती है कि वह डेविड से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक हेडसेट ही दे सकती है। यह सुनकर डेविड समझ जाता है कि उसकी माँ दुश्मनों के साथ है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। फिर वह मिल्ली से मिलता है और दोनों अमेरिका टेलीपोर्ट कर देते हैं एक गर्म स्थान पर।